सो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनस्टैक सॉल्यूशन में। तो आज का ये वीडियो है मार्कशीट, हाउ टू क्रिएट ए मार्कशीट। तो इससे पहले वाला वीडियो में मैंने आपको बेसिक फार्मूलाज के बारे में बताया था, तो वही बेसिक फार्मूलाज यूज करके हम लोग आज के वीडियो में मार्कशीट क्रिएट करना सीखेंगे। तो नॉर्मली मार्कशीट क्रिएट करना तो सीखना है एक्सेल में, तो सबसे पहले तो स्टेप वही आता है मार्कशीट का, तो देखते हैं कैसे। तो मैंने इधर नॉर्मली कुछ नहीं किया, आपको पहले वाले वीडियो में ट्रैकिंग सिस्टम और फिर मर्ज कलर फॉर्मेट वो सब तो बताया था, तो ये सब आप कर लेंगे। तो मैं इधर से ये सब नंबर सीरियल नंबर रहने देता हूँ। सीरियल नंबर तो नॉर्मली सीरियल नंबर लिया है, और स्टूडेंट नेम में हम लोग कुछ नहीं ले सकते, तो ARFZJUWT सब अलग अलग वर्ड्स है। स्टूडेंट नेम में मैंने नॉर्मली एग्जांपल के तौर में स्टूडेंट नेम लिया है, और मैंने इधर चार सब्जेक्ट लिया है, मैथ्स इंग्लिश हिंदी साइंस, और मैंने इधर चार सब्जेक्ट लिया है और टोटल मार्क्स लिया है। ये चारों सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स मिला के होता है 400, तो मैंने 400 किया है। और ए स्टूडेंट ए को 400 में से ऑप्टेन मार्क्स मिले कितने हैं, चारों सब्जेक्ट में मिले कितने हैं, तो वो है। तो ये सब तो मैं आपको सिखाऊंगा, तो ये सब मैं रिमूव करता हूँ, एवरेज भी रिमूव करूंगा। ऑप्टेन मार्क्स आप सीखोगे, एवरेज में रिमूव करता हूँ, एवरेज सीखोगे, ग्रेड सीखोगे, और रिजल्ट फेल मिनी मैक्स, तो ये सब मैं रिमूव करता हूँ। ये सब तो बेसिकली मैंने नंबर सपोज किया है, आपका जो नंबर आप जो लेना चाहोगे वो नंबर आप दे सकते हैं। तो ये तो आपको समझ में आया कि सीरियल नंबर वन स्टूडेंट ए, और ये चार सब्जेक्ट लिया है तो मैंने इधर 400 लिखा। अगर मैं पांच सब्जेक्ट लेता हूँ तो इधर मैं 500 लूंगा। एक सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स का रहता है, एक सब्जेक्ट जो टोटल मार्क्स का रहता है वो 100 रहता है, तो 100 में मैंने चार सब्जेक्ट लिया तो 400, बेसिक तो यही है। हाँ, तो अभी ऑप्टेन मार्क्स का हम लोग देखेंगे, तो ऑप्टेन मार्क्स का हम लोग देखते हैं कैसा होगा ऑप्टेन मार्क्स। तो ऑप्टेन मार्क्स में बेसिकली कुछ नहीं रहता है, ऑप्टेन मार्क्स मतलब उसमें सम का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो मैथ्स इंग्लिश हिंदी साइंस ये सब चारों को कैलकुलेट करके टोटल ऑप्टेन मार्क्स 400 में से कितने मार्क्स मिले वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ऑप्टेन मार्क्स को कैलकुलेट करने का ट्रिक है इजिकल्स टू SUM सम ब्रैकेट ओपन, उसके बाद चारों सब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया है, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर मैंने एंटर किया है, फिर ऑप्टेन मार्क्स हम लोग का आया 198। ऑप्टेन मार्क्स मैं आपको एक और बार दिखा रहा हूँ, इजिकल्स टू कुछ नहीं करना है, SUM हम लोग को इसको टोटल करना है, तो सम को सिलेक्ट करके फिर आप 400 को मत सिलेक्ट करिएगा, हम लोग को चाहिए मैथ्स इंग्लिश हिंदी साइंस में टोटल मार्क्स कितने ऑप्टेन हुए, तो चारों को मैंने सिलेक्ट किया है। ओके, 54 प्लस 67 प्लस 34 प्लस 54 कितने हुए, तो एंटर करके 209। और फिर हम लोग उसको ड्रैग करेंगे तो सेम बेसिस पे ये सब का भी निकल जाएगा, हिंदी साइंस में टोटल कैलकुलेट करके कितने आए, तो मैं इधर दिखा देता हूँ 350 आए ड्रैग करके। ये इजी वे है सबका निकालने, एक बार बस फॉर्मूला आप यूज कीजिए, बाकी सब ड्रैग कर दीजिए हो जाएगा। तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, राइट साइड का डबल क्लिक फॉर्मूला देखने के लिए। तो डबल क्लिक करने के बाद देखिए इजिकल्स टू सम, ये चारों को सिलेक्ट किया हुआ है और एंटर 350। अच्छा, सो वैसे ही हम लोग एवरेज का देखेंगे, इजिकल्स टू अगर मेरे को ये चारों सब्जेक्ट का एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे इजिकल्स टू ए वी ई आर ए जी ई एवरेज ब्रैकेट ओपन, आपको टाइप करना पड़ेगा एवरेज ब्रैकेट ओपन, फिर हम लोग बेसिकली सम में जो चारों सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे थे वैसे ही हम लोग इसमें भी चारों सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, बट उसमें टोटल हो रहा था ऑप्टेन मार्क्स में प्लस हो रहा था, इसमें एवरेज होगा, इसमें एवरेज होगा। सो ये चारों सब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, फिर ब्रैकेट क्लोज आप करिएगा, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, इजी का एवरेज लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर करने के बाद एवरेज आपके सामने आ जाएगा 49.5। स्टूडेंट ए ने ये चारों सब्जेक्ट में ऑप्टेन किया है एवरेज 49.5, तो इसको मैं बेसिकली ड्रैग कर देता हूँ
एवरेज तो सिंपल था। अच्छा अभी आ गया है हम लोग का जो मैं बोल रहा था थोड़ा ट्रिकी है ग्रेड, तो चलिए अभी हम लोग ग्रेड देखेंगे। ग्रेड के लिए मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ। हाँ तो अभी हम लोग देखेंगे ग्रेड निकालना पड़ता है। तो ग्रेड में कुछ नहीं है, आपको एक सीक्वेंस देना पड़ेगा, मतलब इफ देना पड़ेगा, इफ ऐसा होगा तो क्या होगा, फिर इफ ऐसा होगा तो क्या होगा, मीन्स ऐसा ही। तो इजिकल्स टू हर फार्मूला के पहले तो इजिकल्स टू तो लगता ही है। तो इजिकल्स टू इफ मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, और नॉर्मली ग्रेड निकालने के लिए हम लोग को पहले एवरेज सिलेक्ट करना पड़ेगा। इजिकल्स टू इफ एवरेज को मैं सिलेक्ट करता हूँ, एवरेज सिलेक्ट करने के बाद मैं लिखूंगा लेस देन एंड इक्वल टू 90। इफ 14 लेस देन एंड इक्वल टू 19, तो हम लोग का कॉमा दे दो लेस देन, तो मेरा ए आना चाहिए, ग्रेड ए प्लस आना चाहिए, ए प्लस। अगर इफ मेरा एवरेज जो है 90 आएगा या 90 से ज्यादा आएगा तो मुझे ए प्लस आना चाहिए, ये मैंने कंडीशन दे दिया है। हाँ फिर मैं कॉमा करता हूँ, कॉमा के बाद ये कंडीशन, एक कंडीशन हो गया, उसके बाद मैं दूसरी कंडीशन देता हूँ। इफ एवरेज को मैं सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट ओपन फिर एवरेज को सिलेक्ट, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं कि ब्रैकेट ओपन नहीं करते हैं डायरेक्ट, तो ये रॉन्ग वे है। एवरेज को सिलेक्ट, फिर मैंने लेस देन इक्वल टू, इसमें लेस देन इक्वल टू 80 लिखता हूँ मैं, लेस देन इक्वल टू 80, लेस देन इक्वल टू 80 कॉमा दे के फिर इधर अप्लाई करता हूँ। नॉर्मली ए, उसमें ए प्लस था इसमें ए, तो ये होने के बाद फिर मैं कॉमा देता हूँ इसके बाद। हाँ फिर मैं अप्लाई करूँगा इफ ब्रैकेट ओपन, फिर मैं इधर सिलेक्ट करूँगा एवरेज को, फिर इधर लिखूँगा लेस देन इक्वल टू 70 कॉमा, फिर मैं इधर डबल इन्वर्टेड कॉमा, बी डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, अगेन एक और कंडीशन अप्लाई करना है मेरे को, अगेन एक और कंडीशन अप्लाई करना है, वो है इफ। अब फॉर्मूला से अच्छे से देखते जाइए, इफ एवरेज, सॉरी सॉरी, इफ मैं ब्रैकेट ओपन फिर अभी एवरेज सिलेक्ट, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 60, ये लास्ट ऑफ लास्ट 60 कॉमा, उसके बाद मैं देता हूँ डबल इन्वर्टेड कॉमा, सी डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, फिर 60 के बाद अगर 60 रहेगा या मेरा 60 से ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा मीन्स इतना भी ज़्यादा नहीं, सपोज आपको कैसे बोल सकता हूँ मैं, 60 या 61 62 इसके बियॉन्ड में रहेगा तो सी आएगा, या फिर 60 से भी मेरा कम आएगा तो डायरेक्टली मैं इधर ऑप्शन दे देता हूँ डबल इन्वर्टेड कॉमा करने के बाद, डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद मेरे को कुछ लिखना ही नहीं है, उसके बाद सीधा लिखना है डी, 60 के बाद जिसको कुछ भी आए डी। तो ये एक बात में और सब लोग गलती करते हैं, डी लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ब्रैकेट क्लोज करने के समय आप देख लीजिए रेड कलर का ब्रैकेट क्लोज आ रहा है, तो नहीं, जब तक ब्लैक कलर का ब्रैकेट क्लोज नहीं आएगा तब तक आप ब्रैकेट क्लोज करते रहिएगा। ब्लैक कलर का ब्रैकेट क्लोज आएगा मतलब ये राइट है, देखिए मेरा ब्लैक कलर का ब्रैकेट क्लोज आया तब ये ठीक है। तो मैं इसको फॉर्मूला से आप देख लीजिए, फिर मैं इसको एंटर करता हूँ। हाँ स्क्रीनशॉट मारना है तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, फॉर्मूला देख लीजिए, उसके बाद मैं एंटर करता हूँ और मेरा ये ग्रेड आ गया। तो ये ग्रेड डी है, तो प्रॉपर इसमें ग्रेड दिख गया। देखिए ऑप्टेन मार्क्स मेरा कितना है 198, तो उसके हिसाब से मेरे को 49 आया। मैंने आपको क्या बोला था, 60% के अबाव रहेगा तो आपको कितना आएगा, सी आएगा। अगर 60% के बिलो जो भी नंबर रहे वो उसको, इसमें 49 है तो डी, तो मेरा फॉर्मूला पूरा अच्छे से काम कर रहा है। चलिए तो 87 एक आया है, मैंने लिखा था ना 87 के अबाव जिसको आएगा उसको ए आना चाहिए, तो ए भी है,
लेकिन इसमें फॉर्मूला अप्लाई, डबल क्लिक कीजिए माउस का राइट साइड, देखिए फॉर्मूला अप्लाई और प्लस इधर ब्लैक कलर का ब्रैकेट क्लोज भी है, तो मैं एंटर करता हूँ तो इसमें ए। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं रिजल्ट। रिजल्ट का सिंपल है, इजिकल्स टू, आपको कुछ नहीं करना है, इजिकल्स टू ब्रैकेट ओपन, तो इसमें इफ लिखना है इजिकल्स टू इफ, अभी आ जाएगा इफ इजिकल्स टू इफ, सॉरी यहाँ इफ था, तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं इजिकल्स टू इफ मीन मीन, फिर मैंने चारों सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इज लेस देन इक्वल टू 35, फिर कंडीशन में दे दिया या 35 के बराबर रहेगा तो पास, 35 से ज़्यादा रहेगा तो भी पास, अगर 35 के नीचे रहेगा तो फेल। तो मैं इसको नॉर्मली एंटर करता हूँ तो देखिए मेरा जो साइंस जो है, साइंस साइंस का पेपर और साइंस का पेपर, सो जो मेरा साइंस का पेपर है वो उसमें 35 से कम आया, और मैं इंग्लिश का पेपर में भी 35 से कम आया, तो इधर सपोज फेल आ गया मेरा, हाँ तो बेसिकली ये फेल। तो मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो सब में देखिए पासिंग वाला, आप देखिए पासिंग वाला में मैक्स में इधर ये है, पासिंग वाला में मैक्स में मेरे को 67 आया, इंग्लिश में मेरे को 65 आया, 78, 87, तो इसमें 35 के बिलो तो किसी में नहीं आया तो पास। अभी हम लोग लास्ट स्टेज में चलेंगे मीन और मैक्स। मीन और मैक्स सबसे इजी मीन और मैक्स है, इजिकल्स टू MIN ब्रैकेट ओपन, चारों सब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, हाँ मीन और मैक्स चारों सब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, इसमें से मीन तो आप भी बता सकते हैं क्या है, इंग्लिश 34 आना चाहिए इधर, सबसे मिनिमम इंग्लिश में आया 34, तो इधर 34 आएगा 34, तो सिंपली वैसे मैक्स मतलब ज़्यादा मार्क्स किसी में ऑप्टेन हुआ है, तो इंग्लिश में 34 आया था तो दिखा रहा है, शो कर रहा है, तो मैंने ड्रैग कर दिया। मैक्स में भी सिंपल वे है, मैक्स में इजिकल्स टू MAX तो ब्रैकेट ओपन, चारों सब्जेक्ट को सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, तो 65 इधर शो कर रहा है, सबसे ज़्यादा 65 में, दोनों में 65 में ही ऑप्टेन हुआ, तो उसको मैं ड्रैग करता तो इधर। सो इधर हम लोग का मार्कशीट, हाउ टू क्रिएट ए मार्कशीट कंप्लीट होता है ये एक वीडियो, तो आपको वीडियो अच्छे लगे, अच्छा सॉरी आपको वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा, क्योंकि मैं बेसिक लेवल पे आपको मार्कशीट क्रिएट करना सिखाया हूँ, और नॉर्मल जो बेसिकली यूज होता है ग्रेड मीन मैक्स वो तब तो आपको सिखाया है। सो आप प्लीज, मेरा चैनल न्यू है, टेक वीडियोस न्यू है, तो मैं डेली वीडियोस अपलोड आप करते रहूँगा अभी से, तो आप नीचे जो बेल आइकन है, आप नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसमें आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। सो बाय बाय एंड टेक केयर। We'll be right back.